कोई मौका नहीं, चकवा दिया है लेकिन ओ माय गॉड। अबे बसार इंतजार किया नल सिंह, डूमल सिंह, चलिए पहली गेंद पर लेग स्टंप की बाहर की गेंद, व्हाइट बॉल साथ ही साथ चौका। तो इनिंग्स के शुरुआत में मुफ्त में रन बांटा गया है, इनिंग्स के शुरुआत में ही दीपावली का काजू कतली बांटा गया है, 5 रन मुफ्त में दिया गया है बैटिंग टीम को। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर अभी तक एक भी गेंद और लीगल डिलीवरी भी देखने को नहीं मिला है, टोटल 5 रन। अभय प्रसाद इंतजार किया है, स्लोअर के स्लोअर डिलीवरी को पिक किया है और बाउंड्री के बाहर पिक किया है। ये बल्ला नहीं, ये तलवार है, ये बल्लेबाज मानो भैया मुकाबला। फिर एक बार अभय सामने फेरे, ऑलरेडी एक चौका, 5 रन मुफ्त में, टोटल 9 रन। अच्छी गेंद का डिलीवरी लेकिन ये लीजी है भारतीय ने साथ दिया है। अभय प्रसाद रन कैसे भी आए फर्क नहीं पड़ता है, रन आना जरूरी है। अच्छा बल्लेबाज का नाम अभय प्रसाद हो ना तो गेंद भी घर से मैदान के बाहर जाना पसंद करती है। मेरा चौका, मेगा फिनाले से बड़ा फिनाले, सेमीफिनाले। इस बार दबा देखिए, इस बार विकेट के पीछे गेंद को रोकते हुए अच्छी गेंदबाजी, कमबैक करना पड़ेगा। कितना भी बड़ा गेंदबाज क्यों ना हो, गलती सबसे होता है लेकिन कौन उस गलती से ज्यादा सीखता है, कितना जल्दी सीखता है, वो इंपॉर्टेंट है। पहले अभय प्रसाद फॉलिंग स्विंग, लॉन्ग टेनिस क्रिकेट में महाराष्ट्र का खिलाड़ी, बिल्कुल महाराष्ट्र का राजा कृष्णा लक्ष्मण सातपुते को हम देखते हैं इस तरह से फॉलिंग स्वीप लगाते हुए, लेकिन शॉर्ट हैंड में ये अभय प्रसाद लगाते हैं। लेकिन फिलहाल चौका नहीं बिंदी गेंद आई है। फिर एक बार अभय सामने पेरे, पेरे के गाना मारो, ओके हाथों ही ठुके दाओ, 5 इंची ब्रेक ठुके दाओ। अभय प्रसाद ये लीजिए है, ये कॉन्फिडेंस है। जिंदगी आपको बिल्कुल एक बार धोखा दिया है लेकिन दूसरा बार ना उस मौके को भुनाना चाहिए। और जिंदगी भैया T20 क्रिकेट नहीं, जिंदगी टेस्ट क्रिकेट है जहां दूसरा मौका आपको हमेशा मिलता है। तो टेस्ट क्रिकेट में सेकंड इनिंग्स इसीलिए तो भैया रखा गया है। तो अभय प्रसाद क्या फिर एक बार ट्राई करेंगे, दो गेंद दो बिंदी गेंद, दो डॉट बॉल ऑलरेडी। स्कोर बोर्ड की बात करें, स्कोर बोर्ड में रन संख्या टोटल 13-30। अभय प्रसाद वन बना लिए थे, बैक फुट में खेलेंगे लेकिन यहां पर चलिए उस सेलिब्रेशन देख के लगा ना कि शायद विकेट के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये डॉट बॉल के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर सेमीफिनाल जैसा बड़ा मैच है ना, वो डॉट बॉल में अगर इस तरह के सेलिब्रेट, सामने टाइगर बीमन गेंदबाजी में महासीन, इस टूर्नामेंट में दो सफल खिलाड़ी, दो सफल खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने। टाइगर बीमन पहली गेंद सिंगल नहीं लेंगे, बीमन बीमल सिंह, बीमल सिंह को किंग बनना होगा, टाइगर को शिकार करना होगा। सामने कौन, महसीन अहमद, हुगली का ये हानिकारक गेंदबाज। इस बार लपेटने का प्रयास कर रहे थे पीछे का मैन फ्रॉम कोलकाता बेहला, सौरभ गंगुली के भूमि से आते हैं, बेहला से उठ के आते हैं बड्डे, नाम बड्डे है लेकिन अपने टीम को हैप्पी करना चाहेंगे, जिताना चाहेंगे इस मैच में। सेकंड ओवर की खेल प्रगति पर, स्कोर बोर्ड में रन संख्या की बात करें टोटल 13-30। बीमल सिंह, बीमल सिंह उड़ी 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 उड़ी, अरे मंचनी कहां चली, सीधा दर्शक दीर्घा में चली, मिला 4 रन चौका। बल्लेबाज से बीमल थोड़ा समय लेते हैं, कहते हैं ना
भैया शेर शिकार करने से पहले अक्सर दो कदम पीछे लेता है फिर शिकार करता है। टाइगर टाइगर मन बनाए थे पूरा शरीर को खोलने में भरोसा रखते हैं, शरीर को खोले थे फिर बल्ला घुमाए, बल्ले का टोक लगी है तो मोटा सीधा, बल्ले का अंदरूनी किनारा यहाँ पे उस्मान पीछे मान जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल हमारे रितू सर वो कह रहे हैं कि गेंद काटा बदली है, गेंद कुछ अलग सी मोड में है, कट ऑन बिंदी गेंद। सेकंड ओवर के खेल प्रगति पर इसको बोर्ड में रन संख्या टोटल 17 सभी। टाइगर भीमल अरे हवाओं से कह दो जा रहा अपने औकात में रहे, हवाओं से कह दो जा रहा अपने औकात में रहे, हम वो नहीं जो भैया पंख के साथ उड़ते हैं, हम तो वो हैं जो हौसलों के साथ उड़ते हैं, तो हौसलों के साथ अपने टीम के स्कोर बोर्ड में उड़ान भरा है भीमल सिंह ने, मिला चौका। यॉर्कर गेंद सिर्फ यॉर्कर नहीं, ये किसी भी गेंदबाज का सबसे बड़ा हथियार है। अभय प्रसाद भैया चीते की चाल, पांच की नजर और बाजीराव की तलवार, ये कभी भी आपको मात दे सकती है, और वहाँ अभय प्रसाद का नाम जोड़ दीजिए। अभय भाई प्रेत को ठोक दे सामने, अभय हथौड़ी से ठोक दो, इस वक्त सीधा शॉट क्रॉस खेलने का प्रयास, सिंगल लेना चाहते हैं लेकिन पेरिक कहेंगे ये डर मुझे अच्छा लगा, लेकिन अभय प्रसाद शॉट में चौका नहीं आया है लेकिन बैट का ना बीचों बीच लगी है गेम तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा इनको। देवाले ठुके दे, अभय प्रसाद मेहनत कर रहे हैं लेकिन रन नहीं बन रही है, दो गेंद दो डॉट बॉल। भैया कर्म भूमि के इस दुनिया में कर्म सभी को करना पड़ता है, भगवान तो सिर्फ हाथ में लकीरें देते हैं, भाई हमें भरना पड़ता है और प्लेयर को दीवार में ठोकना पड़ता है भाई, डर के खेल कोई मौका नहीं, चकमा दिया है लेकिन ओ माय गॉड, उस्मान से गलती हुआ ये नहीं कह सकते आप, जितना मुझे खेल की समझ है, क्योंकि उस्मान अगर पूरो गेंदबाज आत्मनिर्भर अभय, फाइंडिंग के क्षेत्र पर महसीन, लॉन्ग लेग के क्षेत्र पर है बड्डे, इस पर लेग पर हैप्पी, फिर एक बार अभय रिवर्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन क्या गजब का ओवर, क्या कमाल का ओवर बीता है पेरिक का, एक उत्कृष्ट ओवर, एक अफलातून ओवर, सम्मान करिए, सैल्यूट करिए, सत्कार करिए। तीन ओवर की समाप्ति, तीन के बाद 29 चलिए भैया, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, सिर्फ अभय नहीं टाइगर भीमल ने भी पिटाई जारी किया है, मिला चौका टाइगर भीमल, पहली गेंद पहला चौका टाइगर, टाइगर भैया शेर को आप बांध करके कभी नहीं रख सकते हैं, पिंजरे में बंद करके आप रख तो सकते हैं लेकिन बांध कर आप कभी नहीं रख सकते हैं, तो टाइगर ने सिकंजों को तोड़ा है, टाइगर ने पिंजरा को तोड़ के बाहर, टाइगर उसी शॉट को दोहराना चाहते थे जो टाइगर भीमल को फॉलो करते हैं, टाइगर भीमल जब गुस्से में आते हैं ना तो टाइगर कुछ अलग ही शिकार करता है, पहली तीन गेंद दो चौका बटे से काफी बाहर, व्हाइट करार देते हुए एक्स्ट्रा के रूप में एक रन, उस्मान सोचना होगा, पहले कुछ बातचीत चल रही है लगातार, अच्छी फील्डिंग सज्जान नेहरू, सज्जान के ऊपर भी आपको फोकस रखना होगा, एक ऐसा खिलाड़ी सज्जान का बात करूं ना, बंगाल टेनिस का वन ऑफ द अंडररेटेड खिलाड़ी, इनके पास जो टैलेंट है जो एबिलिटी है
ये आने वाले दिनों में सुपरस्टार है सच्चा नेहरू। सिंगल आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सिंगल आएगा। बड़ा मुकाबला, दोनों टीम सुपरस्टार से भरी हुई है, सितारों से भरी हुई है दोनों टीम। करो या मरो की लड़ाई। मैदान के बाहर से विवेक दास लगातार मोटिवेट करते हुए अपने टीम को, और कहीं ना कहीं वंशी कतेव्रत के दोनों जो ओनर साहब हैं, दोनों ओनर साहब एक दूसरे का हाथ थाम के खड़े हुए हैं। वो क्या कर? मास्टर हवे अक्रॉस द लाइन, पीछे फील्डर भाई निराश है। शॉट सिलेक्शन सही था या गलत था ये तो अब बता सकते हैं, लेकिन रन नहीं मिला है ये हम बता सकते हैं आपको। ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति के बाद 39 49। टाइगर बीमल खटाल का ये लड़का, पहली गेंद और हैप्पी सरकार। भैया सरकार आनी है, सरकार गई है, सरकार बनता हुआ हमने देखा है, सरकार को टूटते हुए भी हमने देखा। चिंको आते जाते यहाँ पर सिंगल लेंगे, बिल्कुल सिंगल लेंगे, अच्छी गेंदबाजी। लेकिन एक चीज आपका जिक्र करना होगा, ये पिच के ऊपर ना नया बल्लेबाज आते ना आते फटाफट रन नहीं बना सकते, ये पिच इतना आसान नहीं है बल्लेबाज के लिए। लगातार दो तीन दिन बहुत बारिश, पिच थोड़ा सा डल है, लेकिन अब भाई फिर एक बार अच्छी गेंद, हैप्पी सरकार मौका। चलिए जनाब मिल जाएगा चौका, भैया बैट से नहीं तो क्या हुआ, तोहफे के साथ बांटा जा रहा है। और दो चौका, ये दो चौका जब आप सचिन तेंदुलकर बैट करने को आएंगे ना, तब पता चलेगा आपको इसका अहमियत, तब पता चलेगा आपको इसका अहमियत, ये दो चौका कितना वैल्यूएबल है। किधर है उनको बोल, टोटल पांच। चिंकू इस मतलब सीधा खेला है, लेकिन फिर एक बार सिंगल के दौड़ रहे हैं, लेकिन हैप्पी जानते हैं जो गलती इससे पहले उनकी टीम दो बार कर चुकी है वो गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं, एक रन के साथ संतुष्ट रहेंगे। 45 45 46 ओके बिग पार्डन 46। यहां पे गलती करेंगे भाई पसार, हमारे स्कोरर साहब गलती की वो अलग बात है, लेकिन अभय से गलती नहीं हो सकता है, लेकिन गलती किया है अभय ने, पटना होगा। आक्रमण करता है सामने हैप्पी, सूजन माहे, इनको सेट होने के लिए समय नहीं लगता है। तो तीन चीजों को आप कभी छुपा नहीं सकते हैं, सूरज चंद्रमा सत्य, लेकिन